पे हैं ये जो लोगों को नंगा करके 75 साल के आजम स्वाति को सोचे नंगा करके उन्होंने टॉर्चर की किस चीज के ऊपर कि तनकीद कर दी किसी की, दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, कि वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसला सारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। ये इस्लामाबाद भी एक डर्टी हैरी आ गया, और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है, ये वो लोग मेरे पाकिस्तान की वकला बरादरी, ये जो मरहले पे हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब के लिए चैलेंज है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, बार बार आजमाऊंगा। वो क्यों कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ा तो मैं कहा जी मैं मुसलमान हो गया बस, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा मुश्किलों से ताकि पता चले कि कितने पानी में है। ये है अब इस मुल्क के लोगों की ईमान की आजमाइश। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मुल्क बना था, अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को, वो जिस तरह शेर नहीं वो हमला करते हैं डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को अफ्रीकन बफलों को, वो सब भाग जाती है फिर पकड़ लेता है एक को, ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकलूंगा और इंशाल्लाह जब तक मैंने फैसला किया है, मेरा फैसला है जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और आपको आपने सबने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि याद रखें अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की किसी को इजाजत नहीं दी।